Good morning, students. Today we will discuss some questions on thermodynamics, part 4. Clear? In this section, we will talk about work done. Work done in cyclic process. In previous chapter, we have talked about work done in isothermal process, isobaric process, isochoric process, and adiabatic process. Clear? Now, this is another type of process, cyclic process. It means if we are doing something with gas which is under a cyclic process, what does it mean? It means that if I am changing the state variable of the gas in this way, that after changing, after the complete change, gas will attain its initial state. Clear? We are changing the state variable of the gas in this way that the PV curve will be A to P, and again we are changing the state variable in this way that this is again PV curve. Now the combination of these two processes, 1 and 2, gas will come in its original state. मतलब कि हम गैस पर इस प्रकार से चीजें चेंज करते हैं, उसके स्टेट वेरिएबल को चेंज करते हैं कि गैस जिस स्टेट से प्रोसेस में रोल प्ले करना स्टार्ट किया था गैस ने, उसी स्टेट पर दोबारा गैस आ जाती है. ये साइक्लिक प्रोसेस होता है. क्लियर? मतलब यहां पहले गैस का प्रेशर पी नोट था, वॉल्यूम वी नोट था, तो इस प्रोसेस के दौरान गैस यहां तक गई जिससे कि उसका प्रेशर पी डैश हो गया और वॉल्यूम वी डैश हो गया. लेकिन अगेन फिर कोई प्रोसेस उसके साथ किया गया तो जिससे गैस फिर से स्टेट ए में आ जाती है. इस कंप्लीट प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं. साइक्लिक प्रोसेस इसी का नाम होता है. क्लियर? अब हमें बात करनी है वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस. हम जानते हैं कि इस एक प्रोसेस को, इस एक साइक्लिक प्रोसेस को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि मुझे इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बताना है, तो मैं कुछ इस प्रकार से कमेंट कर सकता हूं कि पहले प्रोसेस का वर्क, दूसरे प्रोसेस का वर्क. समझे ना? पहले प्रोसेस यानी ए टू बी, फर्स्ट प्रोसेस में किया गया वर्क डब्ल्यू वन, प्लस दूसरे प्रोसेस में किया गया वर्क डब्ल्यू टू. क्लियर? ओके. दिस वर्क विल बी डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस एंड वी नो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू वन. दैट विल बी, इफ दिस इज पी एंड दिस इज वी, द एरिया अंडर कर्व फॉर प्रोसेस वन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस विल बी डब्ल्यू वन. क्लियर? एंड फॉर प्रोसेस सेकेंड, दूसरे प्रोसेस के लिए जो कि ये प्रोसेस है, उसमें वर्क डन क्या आएगा? ये आएगा, ये वाला वर्क. क्लियर? पॉइंट ए पॉइंट बी पी वी, ये आएगा डब्ल्यू टू. अब इसमें हम जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है. यहां वी वन से वी टू वॉल्यूम हुआ, ये वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. समझे ना? तो ये वर्क कैसा आएगा? पॉजिटिव वर्क आएगा. वर्क डन बाय गैस विल बी पॉजिटिव वर्क. क्लियर? ये पॉजिटिव वर्क आएगा. और इसके लिए, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, फाइनल वॉल्यूम छोटा है, इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है, तो ये वर्क क्या आएगा? निगेटिव आएगा. का मतलब यदि मुझे टोटल वर्क निकालना है, वर्क डन
साइक्लिक प्रोसेस निकालना है, इन दोनों प्रोसेस का कॉम्बिनेशन मुझे निकालना है, तो वो क्या आएगा, डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू। इसका मतलब वो कुछ इस प्रकार से मैं दर्शा सकता हूं, इन दोनों को ऐड करके कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ए टू बी एंड बी टू ए। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, इस वर्क को इस वर्क को, तो इस कंप्लीट एरिया में से ये वाला एरिया घटा दूंगा मैं, इस कंप्लीट एरिया में से ये वाला एरिया घट जाएगा, तो मेरे पास जो एरिया बचेगा यानी डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू जो मेरे पास आएगा वो ही आएगा डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू, क्योंकि ये निगेटिव है। और यही क्या आएगा, यही क्या है, वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर, समझे? अब आप एक नोट याद रखेंगे, इधर पी है इधर भी है, अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस में ये जो एरो का साइन है अगर ये क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हमेशा निगेटिव आएगा। तो ये नोट आप याद रखेंगे, इन नोट है एनी साइक्लिक प्रोसेस इफ द साइन sense of cycling if the sense of arrow is clockwise direction is in clockwise direction in an cyclic process if the sense of arrow is in clockwise direction of PV curve then its area enclosed by cyclic curve, जो cyclic curve आएगा उसके अंदर का जो area है PV curve में will be positive, work done by gas। देखो क्या लिखा है मैंने, in any cyclic process if the sense of arrow this sense is clockwise direction this is clockwise direction this is anti clockwise direction this is clockwise is in clockwise direction of PV curve, ये curve भी PV होना चाहिए, ऐसा नहीं कि cyclic process है और यहां P और यहां T लिखा हुआ है, PV curve भी होना चाहिए, of PV curve, clear, then its area, कौन सा area, enclosed by the cyclic curve के अंदर वाला एरिया will denote positive work done by gas, समझ में ही बात, will be positive work done by gas, समझ में आया, इसका अपोजिट भी सही है, वाइस वर्सा इसका सही है, वो क्या है, इन एनी साइक्लिक प्रोसेस इफ द सेंस ऑफ एरो इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ पीवी कर्व देन इट्स एरिया enclosed by the cyclic curve will be negative work done by the gas, समझ में आई बात, यानी ये क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क आएगा, और यदि एरो अपोजिट होती तो वर्क क्या आता, निगेटिव आता, क्लियर, ये बात आप याद रखेंगे। देखो मैंने जो अभी बोला कि यदि साइक्लिक प्रोसेस में प्रोसेस की सेंस एंटी क्लॉकवाइज होती है तो साइक्लिक प्रोसेस द्वारा जो एनक्लोज्ड एरिया आएगा पीवी कर्व में वो निगेटिव वर्क को दर्शाता है, ये मैंने अभी आपको बोला, अब ये मैं प्रूव करने जा रहा हूँ ये कैसे हुआ,
बड़ा आसान है ये प्रूव करना। अभी पीछे मैंने ये वाला क्लॉकवाइज सेंस दर्शाई थी, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस दर्शाते थे ये वाले, तो इसमें भी हम बोलेंगे ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकंड प्रोसेस, समझे बच्चों? अब अगर मैं फर्स्ट प्रोसेस का जो वर्क डन है W1 इसकी बात करता हूं, तो ये क्या आना चाहिए? ये वर्क डन आना चाहिए ये वाला वर्क, ये एरिया W1 को दर्शाएगा, क्लियर? ये W1 होगा जो कि लेस देन जीरो होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में देखो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, समझे? अब बात करते हैं W2 की, इस टू की बात करते हैं। सेकंड प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा जो W2 आएगा वो एरिया आएगा सिर्फ ये एरिया यहां से लेके यहां तक, तो इसको लिख सकते हैं मैं एरिया ए बी ए डैश बी डैश, और ये टू लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं एरिया ए डैश ए टू बी बी डैश, यानी ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया किसको दर्शाता है? W2 को। और W1 किसको दर्शाता है? ए डैश ए वन बी बी डैश, एरिया ए डैश ए वन बी डैश ये दर्शाता है। हम जानते हैं इसमें कौन सा एरिया बड़ा है, ये एरिया बड़ा है और ये निगेटिव है, ये एरिया छोटा है ये पॉजिटिव है, ये एरिया W2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, समझे? तो वर्क डन इन दिस साइक्लिक प्रोसेस अगेन W1 प्लस W2। अब W1 क्या है? बड़ा एरिया है और निगेटिव है। W2 क्या है? छोटा एरिया है और पॉजिटिव है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या देगी मेरे को? ये क्वांटिटी क्या आएगी? ये लेस देन जीरो आएगी। ये निगेटिव अमाउंट बड़ा है, समझे ना? ये अमाउंट बड़ा है निगेटिव में, ये अमाउंट छोटा है पॉजिटिव में, तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? लेस देन जीरो आएगा, समझे? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो आता है। यहां भी ये वर्क जो आएगा, ये जो वर्क दर्शाएगा ये कौन दर्शाएगा? ये एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड बाय साइक्लिक प्रोसेस। यहां भी कुछ इसी प्रकार की कहानी एग्जिस्ट करती है, समझे बच्चों? अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको इस आर्टिकल पे कराता हूं कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में वर्क की कैलकुलेशन की, तो एक क्वेश्चन इस पे करने जाते हैं, क्लियर? आसान क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया है। एग्जाम्पल, विच वन ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन आइडियल गैस? इट इज पीवी कर्व फॉर एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस के लिए ये पीवी कर्व है, इनिशियल वॉल्यूम कुछ है, समझे, वी वन, और फाइनल वॉल्यूम ये है वी टू, वी एक्सेस, प्रेशर एक्सेस, क्लियर? हमें बताना है ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है हमें वर्क डन बाय गैस, फर्स्ट इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, बी ऑप्शन। वर्क डन बाय गैस फर्स्ट डिक्रीज डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, सी ऑप्शन। वर्क डन बाय गैस इज इंक्रीजिंग
continuously from A to B. D. Data insufficient समझे ना, डेटा इनसफिशियंट, क्लियर? बताइए क्या इसका आंसर आएगा। ये हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी गैस के लिए पीवी कर्व दिया जाता है तो उसमें जो एरिया अंडर कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व यानी कंप्लीट एरिया वर्क को दर्शाता है। यदि गैस ये एक्सपेंड करती जा रही है, ऐसे ऐसे एक्सपेंड करती जा रही है, प्रेशर पहले कम होता है और फिर बढ़ने लगता है, तो इस प्रोसेस में लोगों, इस कर्व में लोगों को ऐसा लगता है, देखो पी की वैल्यू पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी, समझ में आई बात? पी की वैल्यू पहले घट रही है और फिर बढ़ती जा रही है, तो कुछ लोग इसका आंसर ऐसे दे देंगे कि वर्क डन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, समझे? जो कि गलत है। वर्क डन क्या है? एरिया अंडर पीवी कर्व, वो तो बेटा कंप्लीटली पॉइंट ए से लेके बी तक बढ़ता ही जा रहा है। यदि आप यहां से एक्सपेंड कराना गैस को स्टार्ट कर देते हैं तो ये एरिया, तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया तो कंप्लीटली बढ़ता जा रहा है, समझे? एरिया तो कंप्लीटली बढ़ता जा रहा है, इसलिए आंसर इसका आना चाहिए सी, वर्क डन बाय द गैस इज इंक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से लेके बी तक कंटिन्यूसली एरिया बढ़ता जाएगा, इसलिए हम ये कहेंगे वर्क डन बढ़ता जाएगा, क्लियर? देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल थर्ड, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि यदि आपको ग्राफ रीड करना आता है, कल मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ बनाए थे अलग अलग प्रोसेस के लिए, पीवी कर, पीटी कर, टीपी कर, क्लियर? वहां मैंने आपको समझाया था कि यदि आप ग्राफ को अच्छे से रीड करना जानते हैं, ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकालना जानते हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस के बड़े आसानी से, बड़े अच्छे क्वेश्चंस के बड़े आसानी से आंसर दे सकते हो। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ। कल के लेक्चर में मैंने आपको बीच में ये भी बोला था कि जब कभी आपको पीटी कर्व या कोई टीवी कर्व दिया जाता है और वर्क के बारे में पूछा जाता है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? पीवी कर्व में। और फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, वर्क डन की कैलकुलेशन हम तब कर सकते हैं, समझे? क्योंकि एरिया अंडर कर्व पीवी क्या होता है? पीवी कर्व का जो एरिया होता है उसके अंडर एरिया जो आएगा वो क्या होता है? वर्क डन होता है। तो हमें पीवी कर्व पता होना चाहिए, तब हम अच्छे से कैलकुलेशन वर्क की कर पाएंगे। यहां किस टाइप से क्वेश्चन की लैंग्वेज बोली गई है कि हमें एक आइडियल गैस के लिए तीन प्रोसेस दिया गया है। कितने प्रोसेस है? तीन प्रोसेस। फिर बोल रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये दिया गया है मेरे को, ये प्रोसेस ए बी, ये प्रोसेस सी डी और ये प्रोसेस ई एफ, क्लियर? आदर्श गैस के लिए तीन प्रक्रम दिए गए हैं, देर आर थ्री प्रोसेस फॉर आइडियल गैस, देन वी इन विच वन प्रोसेस वर्क डन बाय गैस इज निगेटिव, इन विच वन प्रोसेस, इनमें से किस प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय आइडियल गैस इज निगेटिव, इन विच प्रोसेस गिवन प्रोसेस वर्क डन बाय आइडियल गैस इज निगेटिव, इस पर हमें बात करनी है, क्लियर? देखो सॉल्यूशन किस प्रकार से इसको हम अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। ये पी और टी कर्व है, तो यहां से तो मैं बता नहीं सकता हूं कि वर्क डन क्या आएगा, कि एरिया अंडर पीटी कर्व विल बी वर्क, ऐसे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता हूं। तो मुझे कुछ ये देखना पड़ेगा कि इस वाले कर्व में टेम्परेचर बढ़ने पर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखना पड़ेगा। यदि गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो गैस पॉजिटिव वर्क करती है, क्योंकि हम
वर्क कैसे डिफाइन करते हैं यहां, वर्क डन बाय गैस ऑन द सराउंडिंग विल बी पॉजिटिव। हम इस पे यहां थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का यही मतलब है कि हम गैस को कितने कम से कम हीट दें कि गैस से मैक्सिमम वर्क ले सके, समझना, हम ये चाहते हैं। आपको पता चलेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि मैं ये सब चीजें, फर्स्ट लॉ, केटीजी आपको क्यों पढ़ाया मैंने, ये आपको समझ में आएगा। इंजन बनाने के लिए हम गैस से पीवी वर्क कराना चाहते हैं। यहां जो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो पीवी वर्क के लिए पढ़ते हैं कि पीवी वर्क की इफिशियंसी मैक्सिमम आए, तो गैस किस प्रकार से वर्क करे, गैस को किस प्रकार से हमें वर्क कराना है कि पीवी वर्क मैक्सिमम आए। केमिस्ट्री वाले जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं वो नॉन पीवी वर्क की बात करते हैं, समझे ना, कि कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कितनी स्टेबल है, कितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए स्टेबल है, क्लियर। उसकी गिब्स फ्री एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, और गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं, कुछ ऐसा होता है, समझे ना। पॉजिटिव, अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ जाती है वो। इस प्रकार से हम वहां केमिस्ट्री में नॉन पीवी वर्क पे वो बात करते हैं, मतलब सब्सटेंस के अंदर की जो एनर्जी है उस पे वो बात करते हैं। हम गैस से हीट देकर वो कितना पीवी वर्क कर सकती है उस पे हम बात करते हैं फिजिक्स में, क्लियर। तो यहां हमें ये जानना है कि गैस कितना वर्क करेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, और गैस का वर्क जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है कि गैस द्वारा सराउंडिंग पे किया गया वर्क पॉजिटिव होता है, यहां फिजिक्स में। वहां उल्टा होता है केमिस्ट्री में, कि सराउंडिंग द्वारा गैस पर किया गया वर्क वो पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रूल चेंज हो जाते हैं, नहीं, रूल चेंज नहीं होते हैं, बस कन्वेंशन चेंज हो जाता है, साइन कन्वेंशन, क्लियर। तो हम ये कहेंगे कि यदि ए प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, ए प्रोसेस में यानी ए बी प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर यदि वॉल्यूम बढ़ता है तो बेटा ये गैस पॉजिटिव वर्क करेगी। तो अब मैं ये चेक कर लेता हूँ, कैसे चेक किया जाएगा। मुझे पता है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है, कौन सी लाइन, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, लाइन की इक्वेशन होती है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो यहां वाई कौन है, पी, एम इसका स्लोप पॉजिटिव है, एम ले लेता हूं, एक्स कौन है, टी, प्लस सी, सी कौन है, ये ओ ए, ओ ए एक लेंथ है, तो इसको मैं लेंथ को मान लेता हूं सी, सी ही लेंथ मान लेता हूं, स्मॉल सी, ये लेंथ ओ ए, लेंथ इज सी, लेट्स ओ ए लेंथ इज सी, सी है ये लेंथ। अब कैसे इस पीटी रिलेशन को मुझे एनी हाउ पीवी रिलेशन में कन्वर्ट करना है, क्लियर। किस प्रकार से मैं कर सकता हूं, देखो, आइडियल गैस के लिए पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, जहां एन नंबर ऑफ मोल, आर ए कॉन्स्टेंट, वी वॉल्यूम। समझ में बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर इस प्रोसेस में, ये इस प्रोसेस का लिखा है मैंने, अगर मैं इस प्रोसेस की बात करता हूं तो सी जीरो हो जाता है, इस प्रोसेस की बात करूंगा मैं तो ये सी निगेटिव हो जाएगा, है ना। इसके लिए सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए सी क्या है, जीरो, इसके लिए सी क्या है, लेस देन जीरो, ये सी क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो इन अलग अलग कर्व में इसके लिए सी जीरो है क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, समझ में ही बात। तो यहां मैं ऐसे लिख देता हूं, लेट्स सी इज, सी इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। अब सी ओ ए इस कर्व के लिए होगा, सी जीरो इस कर्व के लिए होगा, सी निगेटिव इस कर्व के लिए होगा, समझे ना, ये एक स्टेटमेंट तीनों के लिए वैलिड होगा। अब मैं यहां बात करता हूं कि पी वी इजकल टू एन आर टी से मैं पी की वैल्यू एन आर टी बाई वी लिख सकता हूं, तो लिख देते हैं एन आर टी बाय वी एम टी प्लस सी। हम यहां जानते हैं एम और सी दोनों पॉजिटिव है, एम ग्रेटर देन जीरो, सी ग्रेटर देन जीरो, फॉर कर्व ए बी, ए बी कर्व के लिए बात में बोल सकता हूं। अब ए बी कर्व के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि ए बी कर्व में टेम्परेचर बढ़ाने पर वी बढ़ेगा या घटेगा। अब देखो इस इक्वेशन में टी और वी है सिर्फ, इस इक्वेशन में, तो मैं क्या करता हूं, टी अलग रखता हूं, वी अलग रखता हूं, तो रख लेते हैं इधर, इसको इधर पहुंचाते हैं, इसको नीचे पहुंचाते हैं, तो वी आएगा एन आर टी बाय एम टी प्लस सी, ये आया, क्लियर।
अब इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, एन आर टी। अब टी बढ़ेगा तो वी घटेगा, नहीं बोल सकते आप इस एक्सप्रेशन से, नहीं बोल सकते आप कि टी बढ़ाने पर वी घट रहा है या बढ़ रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूं, एन आर बाय एम प्लस सी बाय टी। देखो लिख सकता हूं कि टी से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, यहां से टी हट जाएगा, यहां एम बचेगा, यहां सी बाई टी हो जाएगा। अब जरा ये देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें आप कमेंट कर सकते हैं, यदि टी आप बढ़ाते हो और सी पॉजिटिव है, दिया गया है ए बी कर्व के लिए सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर टी बढ़ाते हो तो ये अमाउंट घटेगा, जिससे कि ये अमाउंट घटेगा, जिससे कि पूरा अमाउंट बढ़ेगा। आई बात समझ में? अगर मैं टी को बढ़ाता हूं तो सी बाई टी घटेगा, तो ये जो नीचे लिखा हुआ है एम प्लस समथिंग ये घटेगा और ये पूरा कंप्लीट टर्म बढ़ेगा क्योंकि ये पोन में है, समझे? तो मैं कह सकता हूं इफ टी इंक्रीजेस देन वी डिक्रीजेस। दोबारा बोलू, डिक्रीजेस नॉट इंक्रीजेस आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, टी अगर बढ़ेगा तो ये अमाउंट घटेगा, टी अगर बढ़ेगा तो ये अमाउंट घटेगा, ये अमाउंट, और ये अमाउंट घटेगा तो ये अमाउंट घटेगा कंप्लीट, और ये कंप्लीट अमाउंट घटेगा तो बेटा पूरा अमाउंट बढ़ेगा, तो बढ़ा आना चाहिए। टी बढ़ाने पर वी बढ़ेगा, मुझे ये समझ में आता है। यहां आई बात समझ में? ये कैसे लिखा मैंने, इसका मतलब टी बढ़ाने पर ए बी में वी की वैल्यू बढ़ रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यहां जो वर्क डन बाय गैस आएगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्लियर? और यदि इसकी बात करता हूं मैं तो यहां सी जीरो हो जाएगा, और सी जीरो होने का मतलब वी बराबर क्या आएगा, एन आर बाई एम, यानी एक कॉन्स्टेंट, इसका मतलब यहां वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो वर्क डन जीरो आएगा इस केस में, समझे ना? पी और टी के बीच जो लाइन आएगी अगर वो ओरिजिन से पास हो, अगर पी और टी कर्व में जो एक लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, यदि वो ओरिजिन से पास होती है तो वो प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, समझ में बात? इसलिए यहां डब्ल्यू बराबर जीरो आएगा, ऐसे भी बोल सकते हो आप, या यहां से भी बोल सकते हो आप, अगर सी बराबर जीरो है जो कि इसके लिए है तो डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, जीरो। अब इसकी बात करते हैं, सी नेगेटिव, यदि सी नेगेटिव है यानी इस कर्व के लिए, इसके लिए सी नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव आएगा, तब सोचो यदि आप टी को बढ़ाओगे तो ये अमाउंट डेफिनेटली घटेगा, और ये अमाउंट घटेगा और यहां माइनस लिखा हुआ है तो ये अमाउंट बढ़ेगा, और ये अमाउंट बढ़ेगा तो एक कंप्लीट अमाउंट घटेगा, समझ में ये बात? तो इफ टी इज इंक्रीजिंग देन वी इज डिक्रीजिंग फॉर कर्व कौन सा, ई एफ, ई एफ कर्व के लिए ये बात है, क्योंकि उसमें सी लेस देन जीरो है, और ये किसके लिए, फॉर कर्व ए बी, ए बी लाइन के लिए, क्योंकि इसमें सी ग्रेटर देन जीरो है, समझ में आई बात? तो कुल मिला के मुझे पता चल चुका है कि किसमें लेस देन जीरो, किसमें ग्रेटर देन जीरो। तो इस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन डिकोड करना आना चाहिए, ग्राफ से आप इंफॉर्मेशन किस प्रकार से डिकोड कर सकते हैं, किस प्रकार से समझ सकते हैं, ये कहानी आपको आनी चाहिए, क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल फोर। For 1 mol of an ideal gas, for 1 mol of an ideal gas, P is equal to A by T. Calculate work done by gas if its temperature T is increased from T naught to 2 T naught. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने क्या करना है, हमें वर्क बताना है कि यदि टेम्परेचर को T naught से 2 T naught कर दिया जाए। देखो हम जानते हैं कि वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो पी डी वी इंटीग्रेशन होती है, यानी वॉल्यूम का अगर इंक्रीमेंट होता है तो वर्क डन होता है, समझे?
अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो विघटन नहीं होगा। अब इसने वी पे बात नहीं की है, इसने टेम्परेचर पे बात की है, तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, समझ में बात, क्योंकि वॉल्यूम के इंक्रीमेंट से गैस वर्क करती है, लोगों को ये पता होता है, लेकिन यह इंक्रीमेंट किसमें किया उसने, टी में। तो बेटा हम जानते हैं कि ये जो स्टेट वेरिएबल होते हैं पी वी टी, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो ऐसा हो सकता है, इस प्रोसेस में ऐसा हो सकता है कि बेटा वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हो या कॉन्स्टेंट हो, ऐसा भी संभव है, समझे, डिपेंड करता है इस इक्वेशन पे, इस बात पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पी और टेम्परेचर का रिलेशन है, हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, पी और वी में, जो भी बताया था मैंने, समझे। मुझे जिस पॉइंट पर भी कमेंट करना है उसी पॉइंट में गिवन इक्वेशन मुझे कन्वर्ट करनी चाहिए। जैसे मुझे वर्क निकालना है तो वर्क में पी और वी आता है, तो गिवन इक्वेशन मुझे पी वी का रिलेशन ही देनी चाहिए, इस इक्वेशन को मुझे इस प्रकार से कन्वर्ट करना चाहिए कि मैं पी वी पे जा सकूं, या आप पी डी वी डेफिनेशन को पी टी में कन्वर्ट कर दो, क्लियर, अब तब भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताने जा रहा हूं, समझे। सॉल्यूशन देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हमें दिया गया है पी इज इक्वल टू ए बाई टी, पी इज इक्वल टू ए बाई टी, ये कौन है, टेम्परेचर, ये पी और टेम्परेचर का रिलेशन है, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है टी नोट से टू टी नोट करना है, क्लियर। तो इसको अगर टेम्परेचर में ही रहने दें और वर्क की बात करते हैं, वर्क होता है पी डी वी, ये वर्क होता है पी डी वी। अब देखो इस डीवी, हम जानते हैं आइडियल गैस के लिए ये तो लिखा ही जा सकता है एनआरटी, ये तो मैं लिख ही सकता हूं। इस इक्वेशन में क्या करते हैं, पी की वैल्यू वी की फॉर्म में लिख देते हैं, कैसे, यहां एन आर टेम्परेचर बाय वी आ जाएगा, ए अपॉन टी आ जाएगा, तो मेरे पास जो V आएगा, V वो आएगा एन आर टेम्परेचर स्क्वायर बाई ए, आएगा नहीं आएगा। अब इस इक्वेशन में ये मैंने कैसे किया, आइडियल गैस से, समझे, ये मैंने आइडियल गैस से किया। अब इस इक्वेशन में मैं dV को लिख सकता हूं टू एन आर बाय ए टी आगे dt, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, समझे ना, इधर डीवी टी स्क्वायर का क्या आएगा टू टी इंटू डी टी, क्लियर। तो डीवी की वैल्यू मेरे पास आती है टू एन आर बाई ए टी डी टी। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, ये कैसे कर दिया, अरे बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे आप, डीवी बाई डी टी लिखोगे ना, ये क्या आ जाएगा टू एन आर टी बाई ए आ जाएगा, तो इस डी टी को इधर पहुंचा दो, तो यही तो लिखा था मैंने पहले भी, तो यही लिखा था, क्लियर। इस प्रकार से आप dv को dt की फॉर्म में लिख सकते हो। अब इस dv को यहां से उठा के यहां पुट कर दो, w बराबर इंटीग्रेशन p, dv कितना आया 2nr टेम्परेचर बाई a dt, क्लियर, समझे ना। अब ये मैंने dv को क्यों कन्वर्ट किया dt में, क्योंकि मुझे क्या दिया गया है, टेम्परेचर में लिमिट दिया गया है, तो मैं यहां जो लिमिट लगाऊंगा टेम्परेचर की लिमिट लगाऊंगा, वो टेम्परेचर होना चाहिए यहां, तो इसलिए मैंने dv को सोचा कि मैं dt की फॉर्म में लिख देता हूं। दूसरा भी तरीका है, एक ही तरीका है, क्लियर, मैक्सिमम लोग इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि लिमिट किसकी दिया हुआ है, टेम्परेचर की, तो यहां क्या आना चाहिए, टेम्परेचर आना चाहिए, इसलिए मैंने उसमें कन्वर्ट कर लिया टी नॉट से टू टी नॉट, क्लियर। अब पी की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं किस में, टेम्परेचर फॉर्म में, तो वो भी रख दिया मैंने ए बाई टी रख दिया। अब देखो ए से ए गया, टी से टी गया, बचा क्या, टू एन आर डी टी का इंटीग्रेशन टी नोट से टू टी नोट, आंसर क्या आया, टू एन आर टेम्परेचर यानी टू टी नोट माइनस टी नोट, तो क्या आया आंसर, टू एन आर टी नोट, ये आया, वर्क डन, क्लियर, समझ में बात। दूसरा मेथड इसी को सॉल्व करने के लिए, दूसरा मेथड किस प्रकार से यूज कर सकते हो आप, देखो कहां चुके हैं हम, यहां इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्लियर, या अगर मैं चाहता हूं कि इस इक्वेशन को पीवी की फॉर्म में लिखो, दूसरा सेकंड मेथड बता रहा हूं, सेकंड
मेथड। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन स्टेट वेरिएबल की गिवन इक्वेशन ये है, ए बाय टी या टेम्परेचर है टी। मैं क्या करता हूं, इस टेम्परेचर को पीवी में कन्वर्ट कर देता हूं। क्लियर? वो क्या होता है, पी बराबर ए, पीवी इज इक्वल टू एनआर टी, तो टी बराबर क्या आएगा, पीवी अपॉन एनआर। तो यहां लिख देता हूं पीवी अपॉन एनआर, तो एन यहां आएगा आर यहां आएगा, ये यह आया। अब इसको इधर लिख देता हूं, आएगा पी स्क्वायर इंटू वी, ये आएगा ए एन आर आया। अब इसको भी कैसे लिख सकता हूं, इसको लिखा जा सकता है पी वी की पावर वन बाई टू, एक कॉन्स्टेंट लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, इसका रूट ले लेता हूं। तो यहां आएगा पी, यहां आएगा वी टू दी पावर वन बाई टू। क्लियर? यहां आएगा एक कॉन्स्टेंट। अब जरा इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के साथ कंपैरिजन करो। ये कौन सा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जिसमें मैंने एम लिया था, एन भी लेते हैं किताबों में, तो आपको पता चलेगा कि एम इज इक्वल टू क्या होता है, यहां वन बाई टू। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो वर्कडन होता है हम याद रखते हैं, वो वर्कडन क्या होता है, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन एन माइनस वन एम माइनस वन, याद है आपको? तो डायरेक्ट आप इसमें यूज कर सकते हो, W बराबर पी वन वी वन को क्या लिख सकता हूं मैं, एन आर टी वन, तो लिख देता हूं एन आर टी वन कितना है, टी नोट माइनस एन आर टू टी नोट, यानी फाइनल टेम्परेचर, वो कितना है, टू टी नोट दिया गया है, इनिशियल टेम्परेचर, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, पी वी को आइडियल गैस इक्वेशन से एन आर टी फाइनल, एन आर टी इनिशियल, एन आर बाहर, एम माइनस वन, एम कितना है, वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन। तो डब्ल्यू कितना आया इस प्रोसेस के लिए, यानी इस प्रोसेस के लिए क्या आया, एन आर माइनस यहां से क्या आएगा, माइनस टी नोट माइनस यहां से आएगा, यानी टी नोट। देखो वन बाई टू भी है तो टू भी ऊपर आएगा, यहां से माइनस वन बाई टू बचेगा ना तो टू ऊपर जाएगा, तो ये वर्क आया, ये वर्क आया, देखो इधर। क्लियर? ये सेकंड मेथड है इस प्रकार से। अभी एक और मेथड है, वो मेथड क्या है कि मैंने यहां डीवी को किस में लिखा, डीटी में, इसको मैं कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूं, समझे, डीवी में ही पुट करना चाहता हूं। तो आप यहां से डीवी की फॉर्म निकालो और टी वन टी टू को भी वी के टर्म में लिखो और वी वन की लिमिट लगाओ, एक और तीसरा तरीका है, समझे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी आपको मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, तीसरे मेथड से आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तीसरा मेथड क्या है कि यहां लिमिट मुझे वॉल्यूम की ही लगानी पड़े, वो मेथड है, समझे, इस पी को आप वी के टर्म में कन्वर्ट करो, पी को वी के टर्म में कन्वर्ट करो, कर सकते हैं पी को वी के टर्म में। ये क्या लिखा हुआ है, ए बाई टी, इस टी को क्या लिखो, वी के टर्म में, जो मैंने ये लिखा, ये जो लिखा है। अब यहां पी को क्या लिख दो आप, कॉन्स्टेंट बाय वन बाई वी टू की पावर वन बाई टू लिख सकते हो आप, ये चीज यहां कॉन्स्टेंट, और फिर इसमें लिमिट लगाओ, किसकी लिमिट लगेगी, वॉल्यूम की। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये तीसरा मेथड कर सकते हो अदरवाइज इससे भी। वैसे ये जो मैंने आपको बताया ये दोनों ही सबसे आसान तरीके हैं इसको करने के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल फाइव, फॉर एन मॉल ऑफ, फॉर एन मॉल ऑफ एन आइडियल गैस पी इज इक्वल टू ए टी टू द पावर अल्फा, देन फॉर एन मॉल ऑफ एन आइडियल गैस पी इज इक्वल टू ए टू द पावर अल्फा, ए टी टू द पावर अल्फा, देन कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस वर्क डन बाय द गैस इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज
डेल्टा टी, अगर टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी रखा जाए तो गैस के एन मोल के लिए जो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन ये दिया गया है इस प्रोसेस के लिए वर्क डन बताओ, यदि टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी है ये हमें दिया गया है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं इसको। अच्छा हाँ, पिछले क्वेश्चन में हमने शायद एन की वैल्यू पुट नहीं किया था, उसमें एन की वैल्यू वन था तो पुट कर ले, हमने एन मोल के लिए सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखो फिर से, वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो पी डीवी होती है, होती है नहीं होती है। अब पी किसके टर्म में लिखा हुआ है, टी के टर्म में, तो मैं अगर पी को यहाँ लिखता हूँ तो वो टी के टर्म में आएगा, और ये क्या है, वी के टर्म में, और इंक्रीमेंट भी किस में दिया हुआ है, टी के टर्म में, यानी लिमिट किसकी है, टेम्परेचर की। तो बेटा मुझे फिर से यहाँ किस प्रकार से सॉल्व करना चाहिए, जस्ट वैसे जैसे प्रीवियस वन क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें क्या किया था कि पी को मैंने वी की फॉर्म में लिखा और वो क्या आएगा, बाय गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या है, पी इज इक्वल टू ए टी टू द पावर अल्फा, ये दिया हुआ है, तो मैं यहां पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से लिख सकता हूं, एन आर टी बाय वी लिख सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे किया मैंने, पी को क्या लिख सकता हूं, एन आर टी बाय वी, वी इधर टी नीचे, तो वी बराबर जो आएगा वो आएगा एन आर बाय ए, वी इधर टी नीचे, टी की पावर वन माइनस अल्फा, ये आ जाएगा, वी इधर ए टी नीचे, तो एन आर बाई ए टी की पावर वन माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। अब इसको डी वी डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, वो कैसा आएगा, ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, नंबर ऑफ मोल एन है तो एन मोल आ जाएंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वन माइनस अल्फा बाहर और माइनस वन, और माइनस वन आएगा तो अपॉन टी की पावर अल्फा आ जाएगा, माइनस अल्फा बचेगा, टी की पावर माइनस अल्फा नीचे, और यहाँ आएगा डी टी, यानी ये वैल्यू अब यहाँ मुझे पुट करनी पड़ेगी, तो W बराबर जो आया वो आया P, P कौन है, A T टू द पावर अल्फा, DV, DV कौन है ये, तो ये भी रख देते हैं, N R by A 1 माइनस अल्फा अपॉन T टू द पावर अल्फा DT इंटीग्रेशन, क्लियर। तो ये हमारे पास DT की फॉर्म में वर्क डन आ चुका है। अब टेम्परेचर कहां से लेके, इनिशियल से लेके फाइनल, W बराबर A से A गया, इससे ये गया, आएगा एन आर, और ये 1 माइनस अल्फा भी कांस्टेंट है, 1 माइनस अल्फा, बचेगा क्या, डी टी। अब इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे, T 1 से लेके T फाइनल, T इनिशियल से लेके T फाइनल, ये आएगा एन आर टी 1 माइनस अल्फा T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी डेल्टा T, तो हमारा ये आंसर आ चुका है, समझे। इस प्रकार से आप किसी अननोन प्रोसेस जिसकी सिर्फ इक्वेशन आपके पास हो का वर्क डन किसी स्पेसिफिक लिमिट में कैलकुलेट कर सकते हो, समझे। आप यदि यहां दिया जाता है कि वॉल्यूम की लिमिट दी जाती है कि वॉल्यूम यहां से यहां तक दिया जाए तब वर्क करो, यहां देखो टेम्परेचर के टर्म में अगर दिया गया है ना लिमिट तो बड़ा आसान है, क्योंकि आप यहां पी से डीवी निकाल सकते हो इस तरीके से, अब यहां डी टी लग दोगे और डी टी में लिमिट लगा दोगे टेम्परेचर की, क्योंकि इसने टेम्परेचर इंक्रीमेंट ही दिया है। यदि वो ये बोल देता देन कैलकुलेट वर्क डन By the guess, if volume increment is delta V, ऐसे बोल देता, फिर सोचो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, फिर सोचो किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अब आपको ये dV चेंज नहीं करना होगा क्योंकि लिमिट अब वॉल्यूम पे लगेगी, लिमिट अब किस पे लगेगी, वॉल्यूम पे, तो ये dv चेंज ना करते हुए आप p को किसके टर्म में रखो, v के टर्म में रखो, समझ में आई बात। तो इसका मतलब यहां से आप क्या करो, यहां से t को v के टर्म में कैलकुलेट करो, किस प्रकार से, p बराबर a t टू द पावर अल्फा, ये दिया हुआ इक्वेशन है, तो मैं t को क्या लिख सकता हूं, मैं t को लिख सकता हूं कि pv बाय एन आर, ये t लिख सकता हूं, ये पुट यहां कर देते हैं, p बराबर a, समझे ना, लिमिट क्या दी गई है इस पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन किस प्रकार से अप्रोच करोगे। अगर लिमिट दिया होता कि इफ वॉल्यूम इंक्रीमेंट इज डेल्टा वी, तब आप इसको ऐसे सॉल्व करते कि टी को वी के टर्म में कन्वर्ट करोगे, एन आर यहां लिखोगे कि पावर अल्फा। अब ये रिलेशन आपको किसका रिलेशन देता है, पी और वी का, डीवी आपके पास है कि यहां से पी निकाल के वी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो आप, कैसे, देखो पी बराबर ए, P
पी टू द पावर अल्फा वी टू द पावर अल्फा अपॉन एन आर की पावर अल्फा। अब पी इसको नीचे लेके जाते हैं, इसको ये इधर रहने देते हैं, तो यहां आ जाएगा पी टू द पावर वन माइनस अल्फा बराबर ए वी टू द पावर अल्फा अपॉन एन आर टू द पावर अल्फा। अब इसको वन बाई अल्फा दोनों ओर, इधर भी वन बाई अल्फा और इधर भी वन बाई अल्फा कर देते हैं। इधर वन बाई अल्फा करेंगे तो इधर क्या आएगा पी बराबर, और इधर क्या आएगा ए अपॉन ए की पावर वन बाई अल्फा एन आर की पावर अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा ए इंटू वी टू दी पावर अल्फा अपॉन की पावर वन माइनस अल्फा। अब ये वैल्यू उठा के आप यहां पुट करोगे पी की, ये सब कांस्टेंट है, आपको ऐसे ही ये बड़ा लेंदी लग रहा है, अदरवाइज ये कांस्टेंट है, समझे ना, ये चीज कांस्टेंट है। देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ए बाई एन आर टू द पावर वन बाई अल्फा, और अंदर बचेगा वी बाई एन आर अल्फा अल्फा, और यहां बचेगा अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, ये लिखा हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, इस पे लगेगा डीवी, पी की वैल्यू पुट करके, फिर यहां वी वन से लेके वी टू पुट करोगे आप, समझे। अगर डीवी में इंक्रीमेंट दिया जाए, बोला जाए वी वन से वी टू जाया जाता है, फिर इस प्रकार से सोल्व करोगे, क्लियर। इसका मतलब सॉल्विंग का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको लिमिट क्या दी गई है। एक बात और बताना चाह रहा हूं कि ये जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जिसमें ये मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, आप ये पा रहे होंगे कि इंटीग्रेशन मतलब वैल्यूज पुट करने के बाद जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान फंक्शन का होता है। तो ये मत सोचें कि जो नीट वाले बच्चे हैं कि ये मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स हो रहा है, नहीं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिकल सिंपल वाली कैलकुलेशन है कि आप पावर के साथ किस प्रकार से डील करते हो, पावर के साथ डील करना आना चाहिए, समझे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नीट में नहीं पूछी जाती है, जैसे ये है, जैसे ये क्वेश्चन नीट के लेवल का है कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट, क्लियर। यहां अगर मैं बोल देता हूँ V1 से लेके V2 तक इंक्रीमेंट किया जाता है तो वर्क डन बताओ, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उस प्रकार के जहां भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होती है वो नीट में नहीं पूछा जाता है, क्लियर, क्योंकि आपको समय बहुत कम होता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्लियर। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें हम एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 6। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि आपको एक कर्व दिया जाता है, वो कर्व है पी टी, क्लियर। ये देखो ये दिया गया है आपको, ये पॉइंट्स क्वेश्चन में दर्शाए जाते हैं, तो पी नॉट, पी नॉट, टी नॉट, 3T0, समझे बच्चों। ये पॉइंट्स भी आपको दिए जाएंगे ए बी सी डी, नाम दिए गए हैं, और साइक्लिक प्रोसेस की डेफिनेशन से आपको ये पता चलेगा कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीवी कर्व में ही दिया जाए, आपको पीटी कर्व में, टीवी कर्व में भी साइक्लिक प्रोसेस दिया जा सकता है। इस पॉइंट से, ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से, मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है तो आप किसी पॉइंट से स्टार्टिंग इसमें मान सकते हो। हमें बताना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें बताना है कि नंबर, पहले तो दिया गया है इसमें नंबर ऑफ मोल एक है, आइडियल गैस है, नंबर ऑफ मोल एक है, पीटी कर्व जिसका ये है। अब मुझे बताना है डब्ल्यू ए टू बी, समझ चुके हैं होंगे आप कि ए बी प्रोसेस में वर्क डन क्या आएगा, ये हमें बताना है। इसके बाद जितने भी इसमें प्रोसेस है, बी टू सी में बताना है, सी टू डी में बताना है, डी टू ए में बताना है, वर्क डन कितना आएगा ये हमें बताना है, क्लियर, समझे बच्चों। और फिर हमें फाइनल बताना है टोटल वर्क डन, इसमें ये 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखो किस प्रकार से करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको
कि वर्क डन ग्राफ में किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। ए टू बी, ये पी टी कर्व है बेटा, पीवी कर्व नहीं है। तो वर्क एरिया अंडर कर्व वर्क डन मत मान लेना, वो पीवी कर्व का एरिया अंडर कर्व वर्क डन होता है। तो मुझे समझना चाहिए यहाँ कि यहां से लेके यहां तक ये प्रोसेस कौन सा है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं लिखूंगा W, ए टू बी, ए टू बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस। ये मैं क्यों बोल रहा हूं ये आइसोबैरिक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। देखो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, 2p0। डेफिनेशन क्या होती है, वही पीडीवी, ये डेफिनेशन होती है। लेकिन मुझे यहां पता है कि इनिशियल टेम्परेचर टी नोट है और फाइनल टेम्परेचर 3t0 है, और इस डेफिनेशन में लिमिट लगेगी इसकी, जिसके आगे ये डिफरेंशियल लिखा होता है डीवी, वी की लिमिट लगेगी। तो क्या मैं इस डीवी को कन्वर्ट कर सकता हूं डीटी की फॉर्म में? बिल्कुल कर सकते हैं आप, आपको पता है कि ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, पी कॉन्स्टेंट, उसमें आप लिख सकते हो एन आर टी बाय वी, आप ये लिख सकते हो फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पी कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखना चाहता हूं तो पी डीवी बराबर एन आर डी टी लिख सकता हूं। तो देखो ये जो लिखा हुआ है आप पी डीवी, ये क्या आ जाएगा, एन आर डी टी। तो इस पी डीवी को मैं डायरेक्टली एन आर डी टी लिख सकता हूं, ये जो पी डीवी है इसको लिख सकता हूं एन आर डी टी। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपको मैंने बताया था, जहां वो चार्ट मैंने बनवाया था, तो जो वर्क डन यहां आ जाएगा वो आ जाएगा एन आर डी टी, इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन डी टी। और ये क्या आया, एन आर कहां से लेके कहां तक, टी नोट से लेके 3t0, तो 3t0 माइनस टी नोट यानी 2t0, ये आंसर आया। क्लियर, पहले वाले का आंसर आ चुका है। सेकेंड पॉइंट यानी बी टू सी, वर्क डन बी टू सी, ये क्या है, आइसोथर्मल। ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है, कैसे पता मेरे को ये आइसोथर्मल है? देखो हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है, 3t0। ये ग्राफ रीड करना आपको आना चाहिए कि ये लाइन क्या दर्शाती है, कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर, यानी ये आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल का फॉर्मूला मैं जानता हूं क्या होता है, उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एन आर टी एल एन, एन आर टी तो सब में सेम आता है, यहां टी की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 3t0 एल एन वी एफ अपॉन वी आई। अब मुझे वी तो नहीं पता, मुझे तो प्रेशर पता है फाइनल, तो प्रेशर में आ जाता है पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, क्योंकि वॉल्यूम में क्या आता है, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। और कांस्टेंट टेम्परेचर में हम ये बोलते हैं कि पी वन बाय पी टू बराबर वी टू बाय वी वन, पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, बॉयल्स लॉ। तो वहां से मैं वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल को पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल में कन्वर्ट कर सकता हूं, और ये मुझे पता है ये कितना है, 3 nr t0 एल एन पी इनिशियल कितना है, 2p0 अपॉन पी नोट यानी एल एन 2। तो ये आया दूसरे वाले का आंसर। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, W सी टू डी, सी टू डी अगेन आइसोबैरिक, फिर से मुझे वही चीज दोहराने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, एन आर टेम्परेचर डिफरेंस, समझे ना, एन आर डी टी इंटीग्रेशन टी इनिशियल से लेकर टी फाइनल। अब क्या आएगा टी इनिशियल, 3t0, फाइनल क्या आएगा, टी नोट, तो आ जाएगा टी नोट माइनस 3t0 यानी 2t0 निगेटिव। इस बार क्या आएगा, ये निगेटिव, ये बार क्या है पॉजिटिव, ये बार क्या है पॉजिटिव, ये बार क्या है निगेटिव। क्लियर, अब बात करते हैं हम कौन से सेगमेंट की, फोर्थ सेगमेंट की अब हम बात करते हैं। फोर्थ सेगमेंट क्या है, ये वर्क डन डी टू ए, और ये होगा आइसो थर्मल, आइसो थर्मल। अब इसके लिए फिर से वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर कितना है, एन आर टी नोट टेम्परेचर इस बार और लिखेंगे हम एल एन, V फाइनल अपॉन V इनिशियल यानी P इनिशियल अपॉन P फाइनल, P इनिशियल कितना है P नोट और P फाइनल कितना है
टू पी नोट। इस बार ये आएगा एलन टू की पावर माइनस वन, यानी इस बार ये आएगा निगेटिव माइनस एन आर टी नोट एलन टू। ये क्या आया? निगेटिव। समझे? वर्क डन। डी टू ए आइसो थर्मल। फोर्थ, अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं वर्क डन टोटल, तो मुझे क्या करना चाहिए? हर एक ऑप्शन को ऐड कर देना चाहिए, समझना। हर एक ऑप्शन यानी वर्क डन ए टू बी, वर्क डन बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, तो वर्क डन ए बी, वर्क डन बी सी, वर्क डन सी डी, वर्क डन डी ए। देखो क्या आएगा, इसको और इसको ऐड करते हैं, क्या आ रहा है? जीरो। यानी ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ये दोनों मिलके क्या आएगा? जीरो। अब ये दोनों को मिलाते हैं बी सी, ये थ्री एन आर टी एल एन टू माइनस थ्री एन आर टी एल एन टू माइनस एन आर टी नोट एल एन टू। ये तो सेम थे, पॉजिटिव निगेटिव तो कट जाएंगे, ये नहीं कट पाएंगे क्योंकि ये तीन गुना है इसका, तो आएगा क्या? एन आर टी नोट एल एन फोर। ये आंसर आएगा, टू बचेगा, टू यहाँ एल एन टू की पावर में लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा एन टोटल, ये आएगा। और ये क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या आया? पॉजिटिव। समझे? क्लियर? वो जो मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उस तरीके से यहां आंसर मत दे देना, क्योंकि ये क्या है? पीटी कर्व। ये अलग बात है कि इसमें भी क्लॉकवाइज होके पॉजिटिव ही आ रहा है, समझे, वो अलग बात है। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइन से क्या पता चलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पीवी कर्व के लिए मैंने बात बोली थी, पीटी कर्व के लिए नहीं बोली थी। क्लियर? ऐसा नहीं कि हर एक कर्व में आप वही बात ऐड कर दोगे। यहां मैंने कैलकुलेट करके देखा, पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें वर्क डन पॉजिटिव आएगा। समझ में आई कहानी? क्लियर?